हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो आज का ब्लॉग जो है यह एक टेम्पल ब्लॉग रहने वाला है, क्योंकि मैं जो हूं मैं अपने घर से कम 7 किलोमीटर की दूरी पर आया हूं, और 7 किलोमीटर की दूरी पर एक यहाँ पर कहलवी गाँव जो है वो स्थित है। तो इसके साथ में ही जो है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो है वो पहाड़ियों पर बना हुआ है, धार पर बना हुआ है, और इस मंदिर का नाम जो है वो पिपलेश्वर महादेव है। तो यहाँ पर जो है आपको महादेव जी की मूर्ति, महादेव जी का शिवलिंग, और भगवान शनि महाराज, पंचमुखी हनुमान, और साक्षात नवग्रहों के दर्शन यहाँ पर आपको होने वाले हैं। तो ज़रूर इस ब्लॉग के साथ बने रहें और चलते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि इस मंदिर का नाम जो है वो पिपलेश्वर महादेव ही क्यों रखा गया है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम जो है वो यहां पर पिपलेश्वर महादेव जी की ही शिवलिंग जो है वो यहां पर स्थापित किया गया है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले उन्हीं के ही दर्शन करवाता हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये है पिपलेश्वर महादेव कहलवी अमनेट, और इसकी स्थापना जो है वो 19 जून 2022 को, यानी कि अभी इस शिवलिंग को स्थापित हुए 9 ही महीने हुए हैं। तो अभी आप इस पूरे शिवलिंग को देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से और कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर फूलों से इस शिवलिंग को सजाया गया है, और यहाँ पर साक्षात नंदीगण जो है वो भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लिए तो इसके साथ जो है वो दूसरे नंबर पर यहाँ पर भगवान शनि महाराज की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित करके रखी हुई है। तो चलिए अब हम आपको शनि महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। तो अभी आप देखें मैं शनि महाराज जी के जो दरबार है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो शनि महाराज जो है वो घोड़े पर सवार, इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने पूरी कलाकृति और शनि महाराज जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित करके रखी हुई है। और शनि महाराज जी की जो स्थापना है ये 14 तारीख 5वां महीना और 2008 में स्थापित हुई थी, और यहाँ पर आरती भी लिखी गई है शनि महाराज की। तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर तोला भी करवाया जाता है। तो आप हर शनिवार को यहाँ पर महंत छोटानंद गिरी जी से यहाँ पर आप तोला भी करवा सकते हैं, और यहाँ पर तोले की सामग्री जो है वो कुछ इस प्रकार से इन्होंने लिखी हुई है। तो जैसे ही हम यहाँ पर शनि महाराज जी के दर्शन कर लेंगे तो शनि महाराज जी के, अब ये आप देख सकते हैं, शनि महाराज जी के ठीक सामने जो है वो यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो भी यहाँ पर स्थापित करके रखी हुई है। लेकिन अभी इस प्रतिमा में जो है वो बाहर से ताला लगा के रखा हुआ है। तो मैं आपको बाहर से ही इस पूरी प्रतिमा के दर्शन करवाता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की कलाकृति जो है वो यहाँ पर स्थापित की हुई है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर भगवान बजरंगबली, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। ये भी अभी नई नई जो है यहाँ पर स्थापित हुई है। जैसे ही हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर ठीक पिपलेश्वर महादेव जी के शिवलिंग के साथ यहाँ पर धूना भी लगाया गया है, और ये धूना जो है लगातार 24/7 चला रहता है। तो इसके भी मैं आपको एक झलक और दर्शन करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन अभी भी इस धुएं से जो है वो धुआं जो है वो उठ रहा है। और इस मंदिर का जो नाम है वो पिपलेश्वर महादेव इसलिए रखा गया है क्योंकि साथ में जो है यहाँ पर पीपल का जो है वो बहुत ही विशालकाय वट वृक्ष जो है वो यहाँ पर प्राचीन काल से स्थापित है। तो इसलिए जो है इस मंदिर का नाम जो है वो पिपलेश्वर महादेव है। तो अभी जो है हम यहाँ पर ऊपर चलेंगे टॉप पर, तो टॉप पर भी जो है वो यहाँ पर नवग्रह का जो स्थान है वो पोर्शन है वो यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो चलिए अभी हम ऊपर चलते हैं और नवग्रह के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ लगा के रखी हुई है, और सीढ़ियों के साथ यहाँ पर भगवा ध्वज जो है वो भी स्थापित किया हुआ है। बहुत ही अच्छा ये मंदिर है, और ऊपर से मैं आपको इसका पूरा नज़ारा भी बताऊंगा इन अच्छी खूबसूरत पहाड़ियों का। लेकिन सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पर इन नवग्रह के दर्शन कर लीजिए।
यहाँ पर जो है सात ही मूर्तियाँ जो है वो स्थापित हैं, क्योंकि मैंने यहाँ के स्थानीय निवासी से पूछा तो उन्होंने कहा है कि दो मूर्तियाँ जो हैं वो टूट के खंडित हो चुकी हैं, तो अभी हमने ऑर्डर दे दिया है तो कुछ दिनों के पश्चात जो है वो यहाँ पर दो मूर्तियाँ जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो अभी जो है मैं, जैसा कहते हैं ना कि हमीरपुर एरिया जो है वो प्लेन इलाके में है, लेकिन नहीं, जब आप ऊपर की तरफ आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, धार देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छे जंगल देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ का पूरा नज़ारा जो है वो बता देता हूँ। अभी यहाँ पर बारिश भी लग पड़ी है तो थोड़ा सा कैमरे का भी ध्यान देना पड़ेगा, तो आप जल्दी जल्दी में एक बार इस पूरे नज़ारे का आनंद ले लें। तो इस साइड से मैं आया हूँ, यहाँ पर हमारा गांव बसता है 7 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर अमनेट गांव है, उसके आगे ही ताल नामक स्थान से आगे डिडिम टिक्कर पड़ता है और सामने जो है वो चमनेट गांव है। यहाँ पर बिल्केश्वर महादेव जी का जो है वो मंदिर स्थापित है, उसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप यूट्यूब में जाकर उस ब्लॉग को देख सकते हैं। और इस साइड जो है वो कैरम स्थान पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से सारे का सारा ब्लॉग रहा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट में जय पिपलेश्वर महादेव जरूर लिखें, शनिदेव महाराज जरूर लिखें, पंचमुखी हनुमान की जय अवश्य लिखें। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बोले शंकर। लेट्स रॉक।